आपकी मदर की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है, सो प्लाज्मा थेरेपी इज़ द ओनली ऑप्शन। आई वुड सजेस्ट कि आप जल्दी से कोई प्लाज्मा डोनर अरेंज कर लीजिए। ओके डॉक्टर, मैं देखती हूँ। हेलो। हाय खुशी, कैसी है? मैं ठीक हूँ। दक्षी, तुझे कोविड हुआ था ना? हाँ यार, बट अब तो एक महीना हो गया है, तो आई एम ओके। तू प्लाज्मा डोनेट कर सकती है ना यार? वो दक्षी मम्मी को ना कोविड हो गया और उनकी हालत बहुत सीरियस है, हमें प्लाज्मा डोनर की ज़रूरत थी। तू कर सकती है क्या? अच्छा, तो प्लाज्मा चाहिए। प्लाज्मा डोनेशन तो काफ़ी पेनफुल होता है ना। देख, अगर मैं सोचूं भी प्लाज्मा डोनेट करने का, तो आई डोंट थिंक सो कि मेरे पेरेंट्स मानेंगे। प्लाज्मा डोनेशन में पेन होता है? ऑब्वियसली, तेरे ब्लड से अगर प्लाज्मा निकालेंगे तो उसमें तो पेन होगा ही ना। और तुझे तो मेरा पता ही है, मैं तो एक इंजेक्शन में डर जाती हूँ, कहाँ से डोनेट कर पाऊँगी प्लाज्मा। ओके, मुझे नहीं पता था। चल ठीक है, मैं किसी और से पूछ लेती हूँ। हाँ ओके, बाय बाय। हाय खुशी, आई हर्ड आंटी को कोविड हुआ था, अब कैसी हैं वो? हाँ, उनकी तबीयत थोड़ी सीरियस है एंड डॉक्टर ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी इज़ दी ओनली ऑप्शन। तेरी बहन को भी कोविड हुआ था ना करुण? हाँ, उन्हें 2 महीने पहले हुआ था। तो कैन शी प्लीज डोनेट प्लाज्मा टू माई मदर? खुशी, आई डोंट थिंक अभी सही टाइम है प्लाज्मा डोनेट करने का। वो अभी रिकवर हुई है और अगर अभी उन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया तो फिर सारी एंटीबॉडीज उनकी बॉडी से चली जाएंगी। आई एम सॉरी। ठीक है, आई आस्क समबडी एल्स देन। यू टेक केयर। हेलो। हाय मिस्टर मोहित, आई एम खुशी, टीनाज फ्रेंड। उसने मुझे आपका नंबर दिया। शी टोल्ड मी कि आप कोविड से रिकवर हो चुके हैं एंड यू वुड लाइक टू डोनेट योर प्लाज्मा। आप कब तक आ सकते हैं हॉस्पिटल? आई एम सॉरी, मैं नहीं आ पाऊँगा। लेकिन क्यों? मुझे अभी अभी पता चला कि इसके लिए मुझे पेशेंट से क्लोज कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा और ऐसा हुआ तो मुझे फिर से कोविड हो जाएगा और ये रिस्क मैं नहीं ले सकता। पर पेशेंट और डोनर को साथ में रखते हैं? और नहीं तो क्या, वरना प्लाज्मा मुझसे लेकर पेशेंट को चढ़ाएंगे कैसे? ओके मिस्टर मोहित, थैंक यू। हाँ खुशी, कुछ अरेंजमेंट हुआ? नहीं डॉक्टर, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की पर सब ने किसी ना किसी रीज़न से मना कर दिया। कैसे रीज़न? डॉक्टर, मेरी एक फ्रेंड ने कहा कि प्लाज्मा डोनेशन एक बहुत पेनफुल प्रोसेस है। दूसरे ने कहा कि प्लाज्मा डोनेशन के टाइम पर हमारी बॉडी में जितने भी एंटीबॉडीज़ फॉर्म हुए होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तीसरे ने कहा कि वो फिर से कोविड पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आने का रिस्क नहीं ले सकते। आप तो मुझे पढ़े लिखे लगते हो, तो फिर इन सब मिथ्स में कैसे बिलीव कर सकते हो? मतलब? मैं आपको बताती हूँ, आप एक काम कीजिए, अपने फ्रेंड्स को एक बार वीडियो कॉल कर लीजिए। ओके डॉक्टर। हाय विजय। डॉक्टर, तुम सबसे कुछ बात करना चाहते हैं। आप सबसे किसने कहा कि प्लाज्मा डोनेशन एक पेनफुल प्रोसेस है या इसे डोनेट करने के लिए आपको कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में आना पड़ेगा या फिर डोनेट करने से आपकी एंटीबॉडीज का लेवल कम हो जाएगा? डॉक्टर, मैंने तो ये सुना था कि ये सब होता है। डॉक्टर, हम सबको तो यही पता था। ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, क्योंकि कोई भी इंसान जो 18 से 7 साल की उम्र का है और अगर उसका वज़न 50 किलो से ज़्यादा है और उसे रिकवर हुए 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं तो वो आराम से प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। और अगर ये एक हार्मफुल प्रोसेस होता तो हम कभी भी आपको प्लाज्मा डोनेट करने के लिए कहते ही नहीं। डॉक्टर, वी आर रेडी टू डोनेट प्लाज्मा। या डॉक्टर, आई एम ऑल्सो रेडी। There are many myths around plasma donation, so we wanted to create a story which can inspire people to go out and donate plasma.
That's it for this story. See you next Friday for the Hafiz and stay positive. If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.